गोपी बहू जरा मुड़के तो देख। वो गलती हो गई, मुझे इतनी जोर से नहीं गाना चाहिए था। अरे नहीं बहू, कल से मैं और बा दोनों तुम्हारा आरती में साथ देंगे। दिन की शुरुआत ठाकुर जी के पूजा पाठ से हो, इससे अच्छा भला क्या होगा। किंजल, अरे कुछ सीखो अपनी भाभी से। अरे दिख रहा सुबह जल्दी उठा करो। गोपी बहू, सबको आरती दे दो। जिगर राशि कहाँ है बेटा? माँ राशि तैयार हो रही है। गोपी तारो चांदलो क्या छे? तुम्हारी बिंदी कहाँ है? बिंदी लगाई तो थी, गलती से घिर गई होगी। अब तेरा लगन हो चुका है, छोकरियों की तरह चिपकाने वाली बिंदियां नहीं लगानी चाहिए। सिंदूर का चांदला किया कर, समझी? कोकिला धीरे धीरे सब सीख जाएगी, है ना गोपी? गोपी दिख रहा, ये सिंदूर है, अहम भी यही है। उसके हाथों से ये सिंदूर की बिंदिया लगा लो। जा जा दिख रहा, दिकरे अहम के पास अपनी बीवी का श्रृंगार करने के लिए फालतू टाइम नहीं है। अहम को ऑफिस भी जाना है, वो भी समय पर। जा दिकरा, तैयार हो जा। जी मो। मैंने मेरे दिकरे अहम को घड़ी की सुइयों के साथ पाला है। समय की पाबंदी मेरे लिए बहुत जरूरी है। याद रहे जिगर, तुम्हारी वह कहाँ है? अभी तक तैयारी हो रही है? बस काकी वो आती होगी। गोपी Thank you.
मैं देखता हूँ। नहीं जिगर, गोपी को बुला रही है तो गोपी ही जाएगी। गोपी वाह जा। मणि लाइफ में पहली बार ऐसा गुदगुदा बिस्तर नसीब हुआ है, इसे छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा। राशि बेन क्यों यहाँ आते ही परसों पुरानी आदत भूल गई तू? ला मुझे आईना पकड़ा। एक मिनट, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझती हूं मैं। कल भी तुमने बचाने की कोशिश की थी और आज भी तुम वही कर रही हो। पहली और आखिरी बार तुमसे कह रही हूं गोपी, किसी की भी करनी पे यो लीपापोती करना छोड़ दो, समझे तुम? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पियर में क्या होता था और कितने बजे सवेरा होता था। और राशि तुम्हारे यहाँ सवेरा 12 बजे होता है? नहीं आंटी जी वो। एक मिनट, ये आंटी आंटी क्या लगा रखा है? काकी जी कहो। जी काकी जी, वो नई जगह पर सोई थी ना, इसलिए ठीक से नींद नहीं आ रही थी। हर छोकरी के लिए सासरे का पहला दिन नया ही होता है और जगह भी नई होती है, और इसका ये मतलब नहीं है कि नई बहू की रात ही खत्म ना हो। मोटा भाभी, हम जब लगन करके आए थे तब तक तो घर में डबल रोटी भी नहीं आती थी ना। 12 लोगों का नाश्ता पानी हम खुद बनाते थे। और जो नहीं आता था वो हमने सीखा। साचू कही रही छू ने मोटा भाभी? सॉरी काकी जी, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगी। धीरे धीरे? धीरे धीरे का क्या मतलब है? मतलब गोपी ने तो आज से ही शुरुआत कर दी है ना, मैं कल से आपको कोई। एक मिनट, ये गोपी गोपी क्या लगा रखा है तुमने? पियर में ये तुमसे छोटी बहन थी, लेकिन यहां तुम्हारी जेठानी है। क्या है? जेठानी। तो उसे मान देना, तुम्हारा फर्ज है, याद रखना। और तुम यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर काम पे लगो।